रायसोनी ग्रुप, एसटीआर नॉलेज फाउंडेशन और ऑरेंज सिटी लिटरेचर फेस्टिवल के संयुक्त तत्वावधान जीएच रायसोनी के जन्मदिन की सालगिरह पर जीएच रायसोनी मेमोरियल टॉक शो का आयोजन किया गया था। इस समय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और लोकप्रिय अभिनेता अनुपम खेर द्वारा मंच पर चर्चा सत्र चलाया गया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में अनुपम खेर द्वारा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जीवन सफर के विषय में सवाल पूछे गए, जिनका जवाब देते हुए नितिन गडकरी ने अपने जीवन के पन्नों से कई रोचक अनुभव दर्शकों से साझा किए। इस समय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने सपनों के विषय में बोलते हुए बताया कि उन्हें इंजीनियर बनने की इच्छा थी, लेकिन उस समय विज्ञान शाखा में जरूरी प्रतिशत प्राप्त न करने पर मैं इंजीनियर नहीं बन पाया। साथ ही साथ नागपुर और नागपुर की जनता के विषय में बोलते हुए गडकरी ने कहा, यह मेरा परिवार है। दिल्ली में रहते हुए मैं हर शनिवार रविवार को नागपुर में 2 बजे के बाद कुछ खास लोगों से मुलाकात करता हूं और यहां की जनता के सेवा के लिए जरूरी कदम और निर्णय उठाता हूं। साथ ही साथ गडकरी ने कहा कि जिसका निर्णय गलत होता है उससे ज्यादा जो निर्णय नहीं लेता वह मुझे नापसंद है। पूरे कार्यक्रम में गडकरी और अनुपम खेर के बीच बनी जुगलबंदी शहर में चर्चा का विषय है। गड़बड़ाहट हो रहा था तो देख के मुझे एक शेर याद आया कि निगाहें दर पे लगी हैं, उदास बैठे हैं, किसी के आने की लेकर के आस बैठे हैं, और जब वो आ गए कि वो इस कदर मायूसियों के बाद मिले, यकीन ही नहीं आता कि पास बैठे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। हम मिले बहुत है, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, आपका बहुत आदर करता हूँ, ये आपको पता है। और मेरी धर्मपत्नी भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। आपका जी, मैंने सोचा कि मैं रिसर्च करूंगा आपके ऊपर, कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं, जो मेरे मन के अंदर सवाल है वो आपसे पूछता हूँ। सोचा नहीं है, मैंने इसलिए पूछा। थोड़ा सा अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है। जो बहुत ज्यादा चिंता करता है भविष्य की, वो बड़ा जीवन में अस्वस्थ होता है। वैसे भी मैं मोपट हूँ, साफ हूँ, क्लियर हूँ, पर एक बात जरूर है कि मैं दिल से नागपुर के लिए, तो विशेष रूप से मैं नागपुर का लोकसभा सदस्य हूं, तो मैं दिल से पॉलिटिकली नहीं, मैं नागपुर को अपना परिवार मानता हूं। और मुझे एक बार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप शनिवार रविवार क्यों नागपुर में, तो आपने भी दिल्ली में हो, राष्ट्रीय राजनीति में हो और आपका यहाँ बहुत काम है, तो मैंने कहा ये नहीं हो पाए। इसका कारण मैं सामाजिक सेवा के प्रकल्प चलाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, और मुझे कभी कभी मेरा यह कार्यालय मिलने का दिन होता है, तो जनरली मैं जो अच्छे रिपोर्टेड लोग होते हैं रश में आने में, तो 2 बजे के बाद बुलाता हूँ, 11 बजे मेरा कार्यालय खुला है, तो मैंने इनको कहा कि कार्यालय को सबको चाय। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरे, BCN न्यूज नागपुर।